爸爸。हम्म।爸爸。हाँ। पापा सुनो तो। बोलो। आज संडे है, कहीं जाने के लिए मना मत करना। बेटा आज मुझे बहुत काम है, आप एक काम करो, मम्मा के साथ मूवी देखने चले जाओ। मुझे पिक्चर नहीं देखने जाना है, मुझे आपके साथ घूमने जाना है। लास्ट 3 संडे से जया घूमने का बोल रही है और तुम हो। निकिता तुम भी उसके साथ उसके जैसी हो जाती हो, थोड़ा समझो, बहुत काम पेंडिंग है। रहने दो विनय, समझती हूँ तुम्हारे काम, बस बहाने देकर टालते हो, कहीं जाने की तुम्हारी इच्छा नहीं होती। ऐसा नहीं है निकिता, सिर्फ इस बार तुम चली जाओ, अगली बार से मैं पक्का चलूंगा। चलो जया, गेट रेडी सून, हम दोनों आज मॉल जाएंगे। देखो पापा। हम्म। देखो पापा मैं फ्रॉक लाई हूँ। वेरी गुड बेटा, अपनी प्लेस पे रख दो उसको। क्या बात है विनय, बच्ची इतने प्यार से दिखा रही है और तुम बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। तो कहा तो कि अपनी प्लेस पे रख दो। निकिता, जया। ओह हाउ स्वीट विनय, पर ये सब किस ओकेजन के लिए? तुम्हें कुछ देने के लिए मुझे किसी ओकेजन की जरूरत है। थैंक यू पापा। विनय इस वीकेंड एक आउटिंग प्लान करें, मम्मी पापा को भी ले चलते हैं और इसी बहाने जया के लिए भी एक ट्रिप हो जाएगी। विनय। हम्म। ओ विनय, आर यू फाइन? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो मैं ये क्या देख रही हूँ, यू एंड कुकिंग? सो व्हाट, तुम भी तो इतने सालों से बनाती आई हो, सोचा आज मैं ही कुछ ट्राई कर लूं। तो आज नया टेस्ट मिलने वाला है। विनय जी कैसा लग रहा है आंख खोलिए? विनय जी तबीयत ठीक है आपकी?
ब्लड प्रेशर कितना आ रहा है? सर 135/80। ओके, लंबी सांस लें। डॉक्टर, क्या हुआ है विनय को? आप विनय जी से कैसे रिलेटेड हैं मैडम? मैं उनकी वाइफ। जी, विनय जी सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर एंड कुछ समय से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। व्हाट? ब्रेन ट्यूमर? कैसे? एक महीने से करीब करीब उनको ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम है और ट्रीटमेंट रेगुलरली ले रहे हैं, बट आई थिंक ही विल बी स्टेबल इन 24 आवर्स। कुछ समय मॉनिटरिंग करना पड़ेगा आईसीयू में रख के। डोंट वरी अबाउट इट। मम्मा, मम्मा क्या हुआ है? पापा को बताओ ना। मम्मा कुछ नहीं बेटा, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। I'm really regretful, Vinay, कि तुमने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि अपने ट्यूमर के बारे में बता सकूं। इतना भी नहीं समझे कि एक लाइफ पार्टनर की क्या वैल्यू होती है और वो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं। प्लीज अब कुछ मत कहो निकिता, मैं जानता हूं कि मैंने तुम लोगों की वैल्यू नहीं की, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुझे लाइफ पार्टनर की भी वैल्यू पता पड़ी है और लाइफ की भी। जिस दिन से ट्यूमर हुआ उस दिन से कोशिश कर रहा हूं कि मैं जीऊं। तुम रिग्रेट क्यों करती हो? रिग्रेट तो मुझे करना चाहिए कि मैंने अपनी जिंदगी के 44 साल बिना जिए गुजार दिए। निकिता, काश काश मैंने अपनी जिंदगी का हर दिन वैसे जिया होता जैसे मैंने पिछले कुछ दिन जिए हैं।